जमीन पर व्यासदेव सिंह का दखल कब्जा होता है। ये मेरी पैतृक संपत्ति है और पैतृक भूमि है, वहाँ शमशान भूमि का कोई नामो निशान नहीं, क्योंकि वो मेरे पिता के नाम से उसकी जमाबंदी चलती है, सारा मेरे उसका खतियान मेरे पिता के नाम से है, वो लिखा लिया है वही गलत, उनको दाखिल खारिज भी नहीं हुआ है न जीवन में होगा। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि न्यूज़ टीवी सिवान जो टीम पहुंची हुई सिवान जिले के गोरियाकोट थाना क्षेत्र के सिसई में, अभी हम सिसई पहुंचे हैं और आपको बता दें कि अभी लगभग आज से 8-9 दिन पहले जो है हमने इसी गांव से खबर दिखाई थी। बता दें कि सिसई में जो है 51 टोला है, जिसमें एक टोला में हम गए हुए थे जिसको बलुआ ब्रह्म स्थान लोग बोलते थे, वहाँ से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। आपने उसमें देखा था कि उस टोले के जो भी लोग थे उस सभी लोग जो हैं एक भूमि को शमशान भूमि बता रहे थे, कहते ये नज़र आ रहे थे कि ये भूमि जो है शमशान भूमि है और इस पर सिसई गांव के व्यासदेव सिंह जो हैं वो उस पर कब्जा कर रहे हैं, वो आरोप उन पर लगाया जा रहा था। कितनी सच्चाई है, आज यही सच्चाई जानने के लिए न्यूज़ टीवी सिवान चलक जो टीम है वो सिवान जिले के गोरियाकोट थाना क्षेत्र के सिसई गांव में पहुंची है और आपको बता दें हमारे बीच दूसरे पक्ष के लोग मौजूद हैं, यानी जिन पे आरोप लगाया जा रहा था व्यासदेव सिंह जी पर। बता दें ये रिटायर्ड शिक्षक हैं और आज इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से एक पक्ष के द्वारा यानी बलुआ ब्रह्म टोले के लोगों के द्वारा जिस तरह से उन पर आरोप लगाया जा रहा था कि ये उनकी पैतृक भूमि नहीं है, शमशान भूमि है, आम गैर मजरूआ जमीन है, कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में ये आम गैर मजरूआ जमीन है, शमशान भूमि है या व्यासदेव सिंह की पैतृक भूमि है, यही सच्चाई जानने के लिए आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की टीम दूसरे पक्ष के पास पहुंची है, यानी व्यासदेव सिंह के पास अभी हम पहुंचे हैं। इनसे आज हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये मामला दो पक्ष का था, जब भी दो पक्ष का मामला होता है न्यूज़ टीवी सिवान की टीम दोनों पक्ष की बात सुनती है। हमने आपको सिर्फ एक ही पक्ष की खबर आपको दिखाई थी, हालांकि वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, लगभग 23 मिनट कुछ सेकंड का हो गया था, जिससे हम दूसरी पक्ष की बात नहीं सुन पाए थे। हालांकि हमारे बीच दूसरे पक्ष के लोग मौजूद हैं, यानी जिन पे आरोप लगाया जा रहा था व्यासदेव सिंह जी पर। बता दें ये रिटायर्ड शिक्षक हैं और आज इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, जानते कितनी सच्चाई है। सबसे पहले तो ये भ्रामक जो मैंने टीवी चैनल के माध्यम से अफवाहें फैलाई गई थी जी वो सरासर गलत है। मेरा न्यायालय से इस पर डिग्री हो करके इसको चारों तरफ से पोल हलाकर कटेवा तार से घिरवा कर और उसमें गेट वगैरह लगाकर गेट पर सारी बातें न्यायालय का लिखा हुआ है। ये आज इसको दखल कब्जा नहीं कराया, दखल कब्जा 10/1/2024 को करा दिया गया है जी। अब है कि अब उस पर हम पेड़ पौधा लगवाना है जी। तो हमारे आदमी जाते हैं तो वो लोग मारपीट उसके साथ करते हैं जी। जो कि गलत है। ये भूमि मेरी पैतृक संपत्ति है, मेरी बपौती भूमि है, हमारे पिता के नाम से इसकी जमाबंदी चलती है, हमारे बाबा के नाम से इसका खतियान है, रजिस्टर 2 में मेरे पिता के नाम से है जी। ये सारे चीज़ मेरे पास उपलब्ध है। पहला नंबर खतियान, दूसरा नंबर खेमट, तीसरा नंबर रजिस्टर 2, चौथा नंबर आपको रसीद जी। और पांचवा नंबर कुर्सीनामा जी। ये इसके लिए काफ़ी है। जज साहब ने ये सारे कागजात देखते हुए ही मुझको ये डिग्री दी है। जब उस पर दखल कब्जा हो गया तो फिर दखल कब्जा की बात तो नहीं आनी चाहिए। ये सब भ्रामक फैलाया जा रहा है। जितनी बातें वो लोग कह रहे हैं जे एक आदमी 150 आदमी को तंग कर सकता है कि ये 150 आदमी एक आदमी को तंग, उन लोगों के सादा कागज नहीं है उन लोगों के पास और वो लोग हमको बराबर तंग किया करते हैं, जिसके चलते उन लोगों पर दो दो बार FIR हुआ है, तीसरे बार 100 आदमी पर FIR दुर्गा जी द्वारा किया जा रहा है और अज्ञात लोगों पर भी किया जाएगा। यानी वो शमशान भूमि नहीं है, आपके कहने के अनुसार वो पैतृक भूमि है। अच्छा, फिर शमशान भूमि से क्यों बोला जा रहा है उसको बार बार? उसी खाता से जी, सर्वजीत यादव, विश्वनाथ यादव जी, आपको ये
माधव यादव ने लिखाया है और सभी लोग वही खाता वही नंबर 447 सर्वे नंबर 3738। तो मेरा जमीन शमशान हो गया, उन लोगों का जमीन मतलब कि न्यूट्रल हो गया। ये सारी गलत अफवाह है, सारी जितने लोग बोल रहे हैं सारी बातें झूठ बोल रहे हैं, वह कहीं दूर दूर तक उसमें सच्चाई नहीं है। और ये मेरी पैतृक संपत्ति है और रहेगी। अच्छा, कितने सालों से मामला चल रहा है आपका? ये 2017 से चल रहा है। 2017 से अभी 2024 चला है, यानी 7-8 साल हो रहे हैं आपके। इतने सालों से मामला चला ये फिर सॉल्व क्यों हो रहा है? ये डिग्री हुआ है 24 में जाकर, उसके बाद आज तक लोग नहीं आए थे इधर। जब एक आपको एक 10/7/24 को जब हमारे आदमी ने गए थे वहाँ वृक्ष रोपने के लिए, तब वो टोले की सारी लेडीज दौड़ाती है, कौन जिसका नाम FIR है, वही लोग आते हैं जो इनका नाम FIR में है। तो अपने कभी पत्नी के नाम को पत्नी को भेजते हैं, कभी बच्चे को भेजते हैं, कभी लड़की को भेजते हैं, लेकिन सारे वही लोग हैं जिनका FIR नाम में दर्ज है। यानी कुल मिलाकर वो आपकी पैतृक भूमि है? पैतृक भूमि है, वहाँ शमशान भूमि का कोई नामो निशान नहीं, जिक्री नहीं, वहाँ पे जिक्र ही नहीं है। जिक्र रहता तो लोग लिखाते कैसे? 2012 में लोग लिखाए हैं सब्जी यादव, यदि ऐसी बातें रहती, जबकि वो मेरे पिता के नाम से उसकी जमाबंदी चलती है, सारा मेरे उसका खतियान मेरे पिता के नाम से है, वो लिखा लिए हैं, वही गलत। उनको दाखिल खारिज भी नहीं हुआ है, न जीवन में होगा। अच्छा, जिस दिन हम गए हुए थे, यानी न्यूज़ टीवी शिवाजी टीम जब गई थी वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, हमारे जाने से लगभग 10 मिनट पहले वहाँ से प्रशासन जा चुकी थी, जिसमें भारी की संख्या में गुरियागुरु थाने की प्रशासन जो दल बल के साथ पहुँची हुई थी, साथ में सिवान से महिला थाना भी पहुँची हुई थी, महिला फोर्स भी जो आई हुई थी वहाँ पर आप लोग के पेड़ लगाने के लिए उसमें पहुँचे हुए थे। तो वहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन भी चली गई, पेड़ भी नहीं लगा वहाँ पर? वही प्रशासन मिली हुई थी। किससे मिली प्रशासन? विपक्षी से प्रशासन मिली हुई थी। कैसे कह सकते हैं ये बात? ये हम कहते हैं कि पुलिस बल को क्यों नहीं नीचे उतारा गया, पुलिस बल को क्यों नहीं साथ में ले जाया गया, क्यों बड़ा बाबू अपने स्वयं मिलने के लिए उस टीम से गए अकेले? इसका बात यही इंगित करता है कि वो प्रशासन से मिले हुए थे। प्रशासन बुलाया कौन था वहाँ पे? प्रशासन तो मैं बुलाया था, तो प्रशासन वहाँ से हम बुलवाए थे, तो लेकिन हाँ थाना उसका एथी होता है, थाना जो है वही ना उनको गाइड करेगा कि हम वहाँ ये काम करना है, वहाँ ये ऐसे करना है। यदि उसमें से 2-4 को पकड़कर अरेस्ट कर लेते तो वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं रहता, कोई वहाँ पर खड़ा नहीं होता। लास्ट बात आपसे हम करेंगे, मानते हैं कि न्यू टीवी सिवा की टीम जो है उस खबर को दिखाई थी और उसमें उस भूमि को शमशान भूमि बताया गया था, लेकिन अभी हमारे बीच दूसरे पक्ष के लोग मौजूद हैं, यानी जिन पे आरोप लग रहा है जिनकी पैतृक भूमि है जिसे शमशान भूमि बताया जा रहा है, व्यासदेव सिंह जी जो सिसई गाँव के रहने वाले हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं। इनका साफ तौर पर यही कहने का मतलब है कि ये भूमि पैतृक भूमि है, न्यायालय से हमको डिग्री प्राप्त हुआ है, न्यायालय से डिग्री प्राप्त हो चुका है, ये भूमि इन्हीं की है। लेकिन जिस टोले में हम गए हुए थे, यानी बलुआ ब्रह्म टोला, जो लोग थे यानी महिलाएं जो पुरुष थे, वो हजारों की संख्या में वहाँ पर उतरे हुए थे सड़क पर और जमकर हंगामा व प्रदर्शन कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहने का मतलब ये था कि ये पहले से यहाँ पर शमशान भूमि थी, लेकिन अभी दूसरे पक्ष के जो व्यासदेव सिंह जी हैं ये साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि वो शमशान भूमि नहीं थी, वो हमारी पैतृक भूमि है। तो ये सच्चाई यहाँ पे सामने आ रही है। अच्छा, ये बताइए आपके पास कागज है उस भूमि का? सब टोटल कागज मेरे पास है। क्या हमारे दर्शकों को दिखा पाएंगे एक बार? हाँ, हालांकि जितने भी एविडेंस है मैंने देख लिया है, लेकिन आप लोग को एविडेंस के तौर पर दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को विश्वास हो जाए कि ये भूमि किसकी है, कितनी सच्चाई ये आप लोग देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि मामला दो पक्ष का था, हमने सिर्फ एक ही पक्ष की वहाँ पर बात सुनी थी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, 23 मिनट का वीडियो हो गया था, इसलिए हम दूसरे पक्ष की बात नहीं सुन पा रहे थे। लेकिन अभी हमारे बीच दूसरे पक्ष के सदस्य मौजूद हैं, यानी व्यासदेव सिंह जी मौजूद हैं, और ये साफ तौर पर ये भी आरोप लगा रहे थे कि आपने जो न्यूज़ चलाया वो फेक न्यूज़ है, सरासर गलत है, आपने भी जो है
उस भूमि को शमशान भूमि बताया है। लेकिन न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की टीम जो है जहां भी जाती है वहां दोनों पक्ष की बात सुनती है। आपको बता दें कि वहां हमें सिर्फ यही बताया गया था कि ये भूमि जो है शमशान भूमि है, लेकिन हमें ये नहीं बताया भूमि जो है इनकी पैतृक भूमि है। वहां पे ये भी बताया गया था कि ये भूमि जो है प्रतिगैर बजरुआ भूमि है। लेकिन यहां पे अभी जब कैमरे के पीछे हम व्यासदेव सिंह जी से बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि ये गैर मजरुआ मालकाना जमीन है, तो ये यहां पे सच्चाई सामने आ रही है। अभी इनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि वीडियो को डिलीट कर दिया जाए, इस मैटर को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन हम चाहेंगे कि इस वीडियो को भी चलाया जाए ताकि जो दर्शक हमारे उस खबर को देख रहे थे, जो अधिकारी उस खबर को देख रहे थे, जो ये कह रहे थे कि वो भूमि जो है गैर मजरुआ जमीन थी या शमशान भूमि थी, वो ये भी जान सके कि ये जमीन जो है गैर मजरुआ या शमशान भूमि नहीं थी, ये भूमि जो है इनकी पैतृक भूमि है और इस पर डिग्री हो चुकी है और उस भूमि पर जो है चारों तरफ बाउंडिंग कर दी गई है और उसमें कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जो है गेट भी लगा दिया गया है और गेट पर साफ साफ लिख दिया गया कि ये भूमि जो है व्यासदेव सिंह की है। तो ये वहाँ पे मामला कुछ सामने आ रहा है। अच्छा, अभी प्रशासन जो पहुंची हुई थी वो प्रशासन जा चुकी है, तो क्या आपको लगता है कि एक बार जब फिर आप जाएंगे पेड़ पौधा लगाएंगे तो फिर रोक टोक होगी वहाँ पे? प्रशासन खुद वहाँ पहुँचेगी और पेड़ पौधा लगाएगी, सीसीटीवी कैमरा लगाएगी जिससे पता चल सके कि वो लोग क्या क्या गलतियाँ वहाँ कर रहे हैं। तो बराबर टॉर्चर हमको कर रहे हैं, आओ लोग उनको बराबर अपना खुराफात कर रहे हैं, गुंडाइजिंग कर रहे हैं, जिससे कि ये साफ झलकता है कि हमारे ज़मीन को वो लोग हड़पना चाहते हैं। बस तो चलिए, आपने देखा कि न्यूज़ टीवी सिवान की टीम अभी सिवान जिले के गोरियाकोड़ी थाना क्षेत्र के सिसाई गांव में पहुंची है। हमारे बीच दूसरे पक्ष के जो सदस्य हैं यानी व्यासदेव सिंह जी, जिन पर आरोप लग रहा था कि ये उस भूमि पर कब्जा करें, लेकिन अभी मामला ये सामने आया कि इस भूमि पर वो कब्जा नहीं करें बल्कि वो भूमि उन्हीं की है और जमाबंदी हो चुकी है, डिग्री हो चुकी है और अब उसी भूमि पर जो है ये पेड़ पौधा लगाने वाले हैं। प्रशासन लगातार वहाँ पहुँच रही है लेकिन पेड़ पौधा नहीं लग पा रहा है क्योंकि उस टोले के जो लोग हैं वो दल बल के साथ वहाँ पहुँच जा रहे हैं और ये पेड़ पौधा नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन फिर ये प्रयास करेंगे। चलिए, हमारे बीच एक और इसी गांव के सदस्य मौजूद हैं, थोड़ा सा उनसे बात करेंगे और जानते हैं कितनी सच्चाई है, क्योंकि उस टोले के जो लोग थे वो भारी की संख्या में पहुंचे हुए थे और सभी जो हैं सिर्फ यही आरोप लगा रहे थे कि भूमि जो है शमशान भूमि है और ये भूमि सबके लिए है यानी प्रतिगर में जरूर जमीन थी। लेकिन हमारे बीच अभी जो हैं इसी गाँव के एक और सदस्य मौजूद हैं, इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या नाम पड़ गया आपका? कामेश्वर सिंह। घर आपका? सिसैया मौजे में। अच्छा, आपने खबर देखा होगा, आपने देखा होगा कि अभी 8-10 दिन पहले जो है हमने खबर दिखाई थी आप ही के गांव से, एक टोले में हम गए हुए थे वहां पे। देखिए, जो हमने पहले 8-10 दिन पहले जो समा हमने न्यूज़ देखा था यूट्यूब पर, उसमें काफ़ी टोटल वो न्यूज़ गलत था जी। इसलिए क्या कि आपको जो न्यूज़ तो आपने निकाल दिया होगा, चाहे टीवी से निकाल दिया हो, लेकिन वो जानने के प्रयास नहीं किए होंगे या उनको कोई दिखाया ना हो साक्ष, क्यों एक भी कहीं भी सरकारी में वो सरकारी कागज में शमशान घाट लिखी नहीं मिलेगा जी। वो ज़मीन व्यासदेव सिंह के पैतृक जमीन है, हरदेव सिंह के नाम से खतियान है, राघव प्रसाद सिंह के नाम से वो जमाबंदी है, वो लगभग समझ लेगा कि 2 बीघा 3 कट्ठा 1 धुर का लगभग जमीन है, उसमें से इनके सारे पटदार लोगों ने वहीं के ब्रह्म स्थान पर के सभी जादों लोगों के पास ही जमीन सब बिक्री हुई है और उसी खाते हुए ही सर्वे नंबर एक ही भूखंड है, वो एक भूखंड का जो सारे पटदार इनके बेच दिए वो सभी उन लोग जो खरीद लिया वो सही हो गया, और क्या उसका जो इनका शेयर बचा हुआ है व्यासदेव सिंह का शेयर बचा हुआ है तो क्या वो शमशान भूमि हो गया? कहीं भी लिखित में कोई दिखा दे उसको सरकारी कागजात में कहीं भी एक शब्द भी शमशान भूमि है तो मैं अपना जो कहे मैं हार जाऊँगा। लेकिन भूमि तीन बारे में बटी गया, वो कई खंडों में कई इनके पटदार लोगों ने उसको कई लोगों को लिखे हैं, सत्यनारायण सिंह लिखे हैं, काशीनाथ सिंह लिखे हैं और गणेश प्रसाद सिंह लिखे हैं, सरजीत लिखाए हैं, माधो लिखा है, को लिखा है जी, विश्वनाथ लिखाए हैं, वहीं पर फिर लिखाए थे समझ लिएगा कि जिनसे वापस लिए हैं जमीन, रामा जादव से लिखवाए थे, पंचानंद सिंह से, फिर इन्होंने उसको वापस जमीन को लिखवाए हैं। तो क्या सारी ज़मीनें यदि शमशान होती तो और पटदार लोगों का भी होता, जो और जो जादव जी लोग लिखवाए हैं सब किसी को शमशान ज़मीन होनी चाहिए, केवल इन्हीं के कैसे शमशान होगी? इसलिए वो सभी भी जो भी इनका 2015 से पहले उस पर 2015 में इनमें मनरेगा से उस पर
लगा हुआ था, समझ लीजिएगा कि ये पेड़ पौधा लगा हुआ था, इनकी तबीयत खराब हो गई, ये पारस हॉस्पिटल में चले गए। मुखिया पति श्री जितेंद्र यादव ने जा करके गुमराह किया और उसको माने उसको गैर मजरुआ बता करके और उन्होंने उकसाया। उसी के उकसावे में आ करके 2017 के बाद से ये विवाद खड़ा हुआ और 2017 के बाद से विवाद खड़ा हुआ। जा करके इन्होंने व्यासदेव सिंह ने मुकदमा किया, उस पर घर गवाही हुई, कितने उन लोगों को बुलावट हुई, किसी के पास कोई कागज नहीं था, न वो लोग कोर्ट में उपस्थित हुए, न कोई साक्ष्य दिए और न उन लोगों के पास कोई साक्ष्य है, जो से कहा कि आगे भी वो कहीं साक्ष्य दे सकते हैं। इसका फलस्वरूप ये हुआ कहा कि इनके पक्ष में डिग्री हुआ और डिग्री के बाद में समझ लिया कि ये 1-10 को 24 को इनको घेराबंदी करवाया गया प्रशासन जज के द्वारा। जज के प्रतिनिधि आए हुए थे, उनके सामने ढुगी पिटवा करके घेराबंदी करवाया गया, उस पर पोल हलवाया गया, तार से सरकारी अमीन रहा नाप करके, उस पर न्यायालय के आदेश का भी गेट लगा जी। उसके बाद से ये लोग थे, फिर 10 से 7 को ये लोग गए हुए थे समझ ले कर पेड़ पौधा लगाने के लिए, तो वहाँ से मारपीट के भगा दिया गया। तो अब ये बताइएगा कि ये जो आदेश न्यायालय का आदेश का पालन नहीं कर रहा है वो क्रिमिनल वो है आकि व्यासदेव सिंह है, जो जज के घेरवाने के बावजूद इनको दखल कब्जे कराने के बावजूद जो लोग उस भूमि पर आते हैं क्रिमिनल वो हैं अथवा व्यासदेव सिंह हैं। इसका निर्णय जनता कर देगी या जो लोग सुन रहे होंगे वो खुद करें और स्वयं अपने अंतरात्मा में झाँक कर देखें, विचार करें क्या कि ये इसमें क्रिमिनल कौन है, व्यासदेव सिंह है आखिर वो व्यक्ति है जो कहा कि ये आज डिग्री होने के इनकी पैतृक संपत्ति होने के बावजूद 7 साल केस लड़ने के बावजूद फिर इनको वही डिग्री इनको मिली और इनको फिर वही इन्हीं की जमीन इनको दखल कब्जा कराई गई और उसके बावजूद भी फिर हंगामा हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि ये भूमि अगर पैतृक भूमि इनकी है और इस पर 7 रुपये कागज में भी दिखाया गया है और डिग्री भी हो चुकी, पैतृक भूमि है ये, शमशान भूमि नहीं थी, हालांकि हमने खबर जो चलाई थी उसमें शमशान भूमि बताया गया था। हम मानते हैं कि भूमि जो है इनकी पैतृक भूमि क्योंकि हमारे पास जो एविडेंस है कागज सब कुछ मौजूद है यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है जिस तरह से पैतृक भूमि होने के बावजूद भी इनकी भूमि होने के बावजूद भी इन्हें खेत के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है या जब भी ये पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं तो उसको नहीं लगा दिया जा रहा है, जो टोले के लोग जो हैं वो लगातार इन पर टूट पड़ रहे हैं। कारण ये पड़ जा रहा है कि उन लोगों को ऐसा गुमराह कर दिया गया है किसी के द्वारा या किसी यतेंद्र मुखिया पति होने के उनके द्वारा जीविका क्या कहा कि जो वजह से वो लोग उसको ये समझ रहे हैं कि व्यासदेव सिंह अकेले क्या पाया कर पाएंगे। अब इनके परिवार लोगों ने सब बेच दिया है, अब इनके परिवार कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई गाँव का इनके साथ में जाएगा नहीं, उस जमीन को वो लोग श्मशान भूमि करके हड़प लेना चाह रहे हैं, बस बात इतना ही है। मुखिया जी का नाम कहाँ से आ रहा है? मुखिया जी का नाम नहीं आ रहा है, मुखिया जी का नाम यह है क्या कि ये उन्हों के ही साजिश का किया हुआ है। आपको लगता है ये बात? एकदम लगता है। मुखिया तो सबके लिए है, मुखिया ना है, मुखिया पति है, मुखिया नहीं है, मुखिया पति है। तो ऐसा क्यों करेंगे आप लोग के बीच में? क्यों करेंगे? अब इसका तो बात है कि केवल वोट की बात है, ये केवल वोट की बात है, ये राजनीति की बात है, क्या क्या भाई इन लोगों को करके हम देंगे और तो उनको हमको वोट मिलेगा, जातिगत कर रहे हैं, जातिगत एक कर रहे हैं। अच्छा अंत में आप ये बताइए कि जिस तरह से ये भूमि जो है बताया जा रहा है कि पैतृक भूमि है, ये वाकई में रियल है ये बात? एकदम शमशान भूमि नहीं है ये? शमशान भूमि ना कभी थी ना है, शमशान भूमि का कोई भी एक शब्द सरकारी कागज में लेकर के दिखा दे तो हम मान लें। तो आप प्रशासन की बात लोग क्यों नहीं मान रहे वहाँ पे? प्रशासन अब बात है कि प्रशासन कमजोर, प्रशासन अब मिली हुई है उन लोगों से कि क्या हो जाए, प्रशासन क्यों कमजोर पड़ रही है ये अब प्रशासन बताए कि प्रशासन के ऊपर क्या क्या यही बाहर से ऊपर से दबाव है कि क्या बात है, प्रशासन के ऊपर से कोई दबाव है कि जिसके वजह से प्रशासन आती है हमको लेकर के जाती है, प्रशासन चाहेगी तो वहाँ पर हम लोगों की मर्डर करा देगी। 2 बार ऐसा हुआ क्या कि प्रशासन ने कही व्यासदेव सिंह को चलिए वहाँ पर पावड़ा रखाइए हम आएंगे, ये गए 1 बार 10-7 को गए नहीं हो पाया, फिर उसके बाद में 1-8 को गए वहाँ पर प्रशासन से एक पुलिस एक सिपाही और 2 चौकीदार भेज दिया गया नहीं हुआ, उसके बाद में इन्होंने SP से डिमांड किया, SP से के द्वारा सिवान से भी फोर्स आई आई तो वहाँ पर थाना अध्यक्ष जो थे वो गए किसी पर को उतरने नहीं दिए, स्वयं वो जाकर के अकेले बात किए, अरे वहाँ पर इतनी फोर्स थी तो 150 आदमी क्या करते, यदि वहाँ पर लाठीचार्ज होती वहाँ पर कुछ होती तब वहाँ पर उन लोगों के द्वारा पथराव किया गया, लेकिन यहाँ पर प्रशासन वहाँ मूक दर्शक बनी हुई पूरी फोर्स खड़ी रही, फोर्स ना उतर पाई ना कुछ कर पाई,
तो जिस तरह से आपने देखा कि अभी न्यूज टीवी सिवान चलक जो टीम है वो सिवान जिले के गोरिया खोड़ी थाना क्षेत्र के सिसई गांव में पहुंची है। और आपको बता दें कि सिसई में 51 टोला है और अभी 8-10 दिन पहले जो है न्यूज टीवी सिवान चलक की टीम जो है इसी सिसई गांव की एक टोले में गई हुई थी जिसे बलुआ ब्रह्म स्थान बोला जाता है, उसी टोले में पहुंची हुई थी। और वहां से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें आपने देखा था कि वहां उस टोले के जो लोग थे यानी महिलाएं पुरुष जो थी हजारों की संख्या में थी और सड़क पर उतर कर जमकर हंगामा हुआ, प्रदर्शन कर रहे थे। टोले के लोग जो थे वो ये कह रहे थे कि वो शमशान भूमि है और ये शमशान भूमि पर जो है वो जबरन कब्जा कर रहे हैं। लेकिन उस समय न्यूज टीवी सिवान की टीम सिर्फ एक ही पक्ष का बात सुनी थी और उस भूमि को जो है शमशान भूमि बताया जा रहा था। लेकिन जब भी दो पक्ष का मामला होता है न्यूज टीवी सिवान की टीम दोनों पक्ष की बात सुनती है। अभी हम इनके आवास पर पहुंचे, घर पर पहुंचे हैं और अभी हमारे बीच व्यासदेव सिंह जी मौजूद हैं जिन पर आरोप लग रहा था। अभी हमसे बात भी किए और साथ में इसी गाँव की चाचा जी मौजूद थे, उनसे भी हमने बात किया। साफ तौर पर दोनों का यही कहना मतलब है कि भूमि जो है पैतृक भूमि है और ये साक्ष्य के साथ उन्होंने प्रूफ किया है और उसी एविडेंस के साथ हमने आपको इस खबर को भी दिखाया। तो आपने देखा कि न्यूज टीवी सिवांचल की टीम अब दोनों पक्ष की बात सुन चुकी है। आप इस खबर को देख रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा किसकी बात सही है, कौन इसमें दोषी कौन निर्दोष है। तो जिस तरह से आपने देखा कि न्यूज टीवी सिवांचल की टीम आज सिवान जिले के गोरियाकोट थाना क्षेत्र के सिसई गांव में पहुंच के दूसरे पक्ष से बात की है, इस तरह और भी जगहों से हम आपको खबर दिखाते रहेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। बने हमारे भी, देखते रहिए न्यूज टीवी सिवान से। संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।